नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की ट्रेन में आजकल गजब गजब के कारनामे हो रहे हैं और गजब गजब की घटनाएं हो रही हैं। बिहार की ट्रेन में कभी हादसों की खबर आती है, बिहार की ट्रेन में कभी मारपीट की खबर आती है, बिहार की ट्रेन से कभी स्मगलिंग की खबर आती है। तो बिहार की ट्रेन में अब एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको डरा देगी। आप भी अगर बिहार में ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि बिहार की ट्रेन में अब दिन दहाड़े लूटपाट भी होने लगी है। बिहार की ट्रेन में दिन दहाड़े अपराधी चढ़ते हैं, यात्रियों से मारपीट करते हैं, उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है और कई यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। बिहार की ट्रेन की यह घटना है। और किस ट्रेन की घटना है? हिमगिरी एक्सप्रेस में ये बड़ी घटना हुई है और किस प्रकार हुई है वो भी जान लीजिए। पटना से चली हिमगिरी एक्सप्रेस में बुधवार को दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। आरआर रेलवे स्टेशन पर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि हिमगिरी एक्सप्रेस के एसी कोच संख्या B2 में लूटपाट हुई है। यात्रियों से मोबाइल, गहने और 2 बैग लूटकर सभी बदमाश उतर गए। जबकि बक्सर रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार का कहना है कि बक्सर में उन यात्रियों को चिकित्सीय सुविधा दिलाई गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो DDU में इस मामले की शिकायत दर्ज कराएंगे। हालांकि उन्होंने लूटपाट की घटना से इनकार किया है और कहा है कि केवल मारपीट का मामला है। अब देखिए, पटना से हिमगिरी एक्सप्रेस चलती है, पटना से उसमें पठानकोट जाने के लिए कुछ यात्री सवार होते हैं, किसी शादी में शामिल होने वाले होते हैं और जैसे ही ट्रेन आरा पहुंचती है कुछ लोग सवार होते हैं और लूटपाट मारपीट करने लगते हैं। यात्री कहते हैं कि कुछ अन्य लोग जो पटना से ही ट्रेन में सवार थे वो भी लूटपाट करने वालों का सहयोग कर रहे थे। उन सभी ने मिलकर मोबाइल और कुछ गहने लूट लिए। इसके बाद आसानी से आरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर चलते बने। अब रेलवे सुरक्षा बल के बक्सर पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, यात्रियों से मुलाकात की, जाहिर सी बात है रेलवे के कर्मचारी अधिकारी जब ऐसी सूचना मिलती है तो घटनास्थल पर जाते ही हैं। लेकिन हिमगिरी एक्सप्रेस में आरा रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। यात्रियों के साथ मारपीट और लूटपाट की जो घटना है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमजोरी को दर्शाता है। और ये अलग बात है कि बड़े बड़े अधिकारी जो रेलवे के हैं वो ये कह रहे हैं कि लूटपाट नहीं हुई है, लेकिन यात्री कह रहे हैं कि मोबाइल और गहनों की लूट की गई है, मारपीट की गई है। और वैसे भी यात्रियों से मारपीट करने का कारण हो क्या सकता था? अगर मैं यात्रियों से इतनी संख्या में लोग चढ़कर मारपीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है निजी दुश्मनी तो निकालने चढ़े नहीं होंगे, और निजी दुश्मनी होगी भी तो किसी एक यात्री से हो सकती है, हर यात्री से बोगी में सवार नहीं हो सकती है। और एसी बोगी जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है, एक ट्रेन में अगर आप एसी बोगी में चढ़ते हैं तो माना जाता है कि सुरक्षित रहता है जनरल डिब्बों से और रिजर्व डिब्बों से, आरक्षित कोचों से। तो ऐसे में यह भी एक बड़ा सवाल है कि एसी कोच में चढ़कर हिमगिरी एक्सप्रेस के अपराधियों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया? और दे दिया गया तो इसके बाद अब रेलवे के अधिकारी क्या कर रहे हैं, रेलवे पुलिस बल क्या कर रही है इन लोगों को पकड़ने के लिए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी घटना, बिहार में एक के बाद एक ट्रेनों में हो रही इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर रही हैं। लोग ट्रेन को सुरक्षित यात्रा का जरिया मानते रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं उनका यह विश्वास कायम है। लेकिन इस प्रकार की अगर घटनाएं बिहार में होती रहेंगी या ट्रेनों में होंगी तो फिर यात्रियों के जहन में डर का समाना तो लाजमी है। फिलहाल बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।